नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा डे बाय डे लेसन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको तीन ताल का कायदा धा तिरकिट तक तिरकिट वाला करवाया और उसके आगे चार पलटे हो चुके हैं। तो आज हम पांचवा पलटा करने वाले हैं और पांचवा पलटा बजाते हुए आपने किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे उसको बजाना है, किन बोलों को कैसे बजाना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसके जो बोल है मैंने सारे लिख दिए हैं पलटे के, वो आप अपनी कॉपी पर लिख लें और फिर उसको अच्छे ढंग से याद कर लें, या फिर उसको कॉपी को सामने रखकर आप तबले पर रियाज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पांचवें पलटे के बोल है, धाती धागे धीना गे, धाती धागे ना धीना गे ना, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, 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 धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे तीना के ना, ताती ताके तीना के, ताती धागे ना धीना गे ना, ताती धा तिरकिट तक तिरकिट, 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 धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे धीना गे। तो देखिए इसमें धा तिरकिट तक तिरकिट ये पांच बार आता है। तो देखिए इसका लगातार रियाज करने से क्या होता है, जो हमारा धा तिरकिट तक तिरकिट है वो बहुत सुंदर प्ले होना शुरू हो जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसलिए ये जो पलटे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं हमारे रियाज में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, मैं इसको आपको बजा कर दिखा रहा हूं। तो देखिए धाती धागे धीना गे धाती धा, अब देखिए यहां पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो ती बोल है वो सेकंड फिंगर से बजाना है। देखिए धाती धागे धीना गे धाती धागे ना धीना गे ना, तो ये हो गया हमारा। इसके आगे है धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, तक तिरकिट, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे धीना गे ना। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद है ताती ताके तीना के ता ती धागे ना धीना गे ना, ताती धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे धीना गे ना। तो ये इसके पलटे के बोल है। तो देखिए शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो ती बोल बजाना है वो सेकंड फिंगर से बजाना है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको स्पीड में बजाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप सेकंड फिंगर से ती स्याही पर बजाएंगे। तो चलिए अब दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने पांच बार धा तिरकिट तक तिरकिट इसमें आता है। तो कैसे आता है और उसको कैसे बजाना है, तो देखिए शुरुआत में है धाती धागे धीना गे, धाती धागे ना धीना गे ना, इसके बाद है धाती, अब धाती के बाद पांच बार धा तिरकिट तक तिरकिट आएगा, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट, धा तिरकिट तक तिरकिट। तो ये पांच बार आया है। तो इसके बाद आपका वही कायदे के फर्स्ट बोल आ जाते हैं, धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे धीना गे ना। तो ये कायदे के जो फर्स्ट पंक्ति है उसके बोल आगे। उसके बाद ताती ताके तीना केता, ताती ताके तीना केता। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जो ता पर कर लगाना जरूरी है, तो देखिए अगर आप इसको सुंदर बजाना चाहते हैं स्लो स्पीड में तो फिर कर जरूर लगाएं, जिससे क्या ये भरा हुआ दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ता आप किनार पर ही बजा सकते हैं। अब देखिए ताती ताके तीना के ताती धा, अब देखिए तीता के ना, कुछ तीता के ना भी बजाते हैं पर आपने ती धागे ना ही बजाना है। तो देखिए ताती ताके तीना के ताती धागे ना धीना गे ना, तो ये आपने बोल बजाने हैं। आगे है धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, 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 धाती धा तिरकिट तक तिरकिट, धाती धागे धीना गे ना। तो ये इस पलटे के सारे बोल हैं। तो बस इसमें आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ती बोल आपने सेकंड फिंगर से बजाना है, और अगला जो ये जो है जो आप ता बोल बजाते हैं उसमें आप
क भी लगा सकते हैं। जब स्लो स्पीड है तो आप क लगाइए तो बहुत सुंदर लगेगा, और जब हाई स्पीड में जाएं तो फिर क को छोड़ दें और जो ता है वो किनार पर बजाएं, जिससे क्या है आपकी स्पीड बहुत सुंदर बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है, आपने इसमें अपनी जो स्पीड है वो एकदम हाई स्पीड में इसको लेकर नहीं जाना है। अगर हाई स्पीड में अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो बहुत सारी आपकी गलतियां होंगी, और जिससे क्या है कि आपका रियाज जो है वो अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो इसलिए स्लो स्पीड में इसका पहले रियाज करें कुछ दिन, और फिर धीरे 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 हाई कंफर्टेबल स्पीड में इसे लेकर जाएं, जिससे क्या है कि आप इसको कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर बजाना शुरू कर देंगे। और अगर आपने पिछले पलटों का रियाज नहीं किया है तो इस पलटे पर मत आएं, क्योंकि ये जो है हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पहले आसान यानी कि पहले तो कायदा बजाते हैं, फिर उसके बाद एक आसान पलटा, फिर उससे थोड़ा सा और मुश्किल होता है, फिर धीरे 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 मुश्किल होते जाते हैं ये पलटे। मुश्किल कहने का मीनिंग एडवांस की तरफ हम जाते हैं, जिससे क्या है कि हम अगर एकदम एडवांस की तरफ जाएंगे तो जो हमारे जो हमारा रियाज है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कारण यही होगा जो हमने पिछले जो बोल है जो इस पलटे में प्रयोग होंगे उनका अच्छे ढंग से रियाज नहीं किया होगा। तो इसलिए डे बाई डे लेसन से डे बाई डे ही लेसन करें, यानी कि अगर आपका 40वां दिन है तो उसके बाद 41, फिर उसके बाद 42 डेज, तो ऐसे ये सारे दिन आपको मिलेंगे। तो इसलिए डे बाई डे ही लेसन अच्छे ढंग से करें। तो चलिए इसको पूरा अब एक बार बजा लेते हैं, तो देखिए ये कितना अच्छा लगता है। इसके बाद एक दोस्त ने ये भी कहा था कि सर नगमे के साथ, तो देखिए लास्ट वीडियो जब आएगी सभी पलटे खत्म हो जाएंगे और तिहाई हो जाएगी, तो मैं आपको नगमे के साथ ये सारे पलटे और कायदा आपको बजाकर दिखाऊंगा। तो चलिए इसको स्पीड में अब बजाते हैं। नाती दागे देना गे दादी दागे ना देना गे ना दाती दा साथ में बोलूंगा नहीं और पूरा बजाऊंगा ऐसे। पलटा है इसका, ऐसे ही आप अच्छे ढंग से रियाज करें। तो हर वीडियो में मैं आपको एक दो क्वेश्चन के आपके जो प्रश्न आते हैं उनके आंसर जरूर बताता हूं। तो कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि सर जो आपने वीडियोस बनाई हैं जो पुरानी है एक दो साल पुरानी है, तो उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में उनके जो बोल है वो नहीं लिखे हैं, तो प्लीज उनके बोल जरूर लिखे। तो बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया है, तो देखिए जो मेरी पुरानी वीडियोज है उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में बोल नहीं लिखे। वो इसका कारण ये है कि मैंने जब शुरुआत की थी तो उस टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में बोल नहीं लिखता था, पर उनसे जुड़ी हुई सेम टू सेम जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने सारा कुछ क्लियर आपको बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं एक साल के बाद यानी कि इस ईयर में, इससे एक साल पहले आप देख सकते हैं उसमें मैंने सारी वीडियोज में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो बोल है वो बताए हुए हैं, वो आप वीडियोस देखें। और उनसे जुड़ी हुई वीडियो आपको कुछ वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया, जैसे कहरवा के बहुत सारे मैंने वेरिएशन बताए हैं, उसके जो सारे वेरिएशन है उनके जो बोल है मैंने अभी जो वीडियो कुछ टाइम पहले यानी कि 10 या 11 महीने पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बोल लिखे हुए हैं। तो आप उन वीडियोज को देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कौन से बोल किस वेरिएशन में कैसे बजाने हैं, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो जो ऐसी है जो पुरानी है उनको मैंने डिटेल में अपने एक साल पहले डिटेल में अपने चैनल पर डाला हुआ है और सभी बोल उनके डाले हुए हैं। तो इसलिए आप उन वीडियोज को देखें जहां पर आपको बोल मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बड़ी ही आसानी से
तबला सीख सकें। तो बस एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है हमेशा कि रियाज हर रोज करें, अच्छे ढंग से रियाज करें, सही रियाज करें, गलत रियाज ना करें, क्योंकि गलत रियाज करेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी तबले में। तो इसलिए अच्छे ढंग से रियाज करें। और जो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।